मतलब कड़वा ना, हमको नॉर्मल लगता है। यह नीम का पत्ता, इसको खाने से आपको जितने भी चर्म रोग हैं और वैसे भी पेट हमेशा साफ रहेगा, इसके बावजूद भी आपके चेहरे पे हमेशा रौनक आएगी, त्वचा सुंदर खिला खिला सा रहेगा, कोई भी फोड़े फुंसी मुहासे कील मुहासे कुछ भी नहीं होंगे। आयुर्वेदिक दवा सबसे अच्छा, टैबलेट से दूर रहें, सिंथेटिक दवा से दूर रहें। सुबह सुबह थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको खाने में, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, कड़वाहट आएगा, बाद में आदत पड़ जाएगी, नॉर्मल रहेगा। जैसे आप चना का साग खाते हो, पालक का साग खाते हो, वैसे इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने खाना चाहिए? अपने आवश्यकता अनुसार आप अपना कैपेसिटी देख सकते हैं, ऐसे 4 से 6 पत्ते भी खा सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप कभी नहीं खाएं तो 2 पत्ते से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अपना डोज बढ़ा सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। क्या आपका शरीर इसी कारण से इतना अच्छा हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा जो भारत देश है औषधियों से भरा पड़ा है, हम लोग झूठ का ये खाद्य पदार्थ में थोड़ा ये अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, ये खाना वो खाना, चिकन खाना अंडा खाना, ये खाना वो खाना, पनीर खाना, ये सब से अच्छा है भारतीय औषधि। कब से खाते आ रहे हैं? ज़्यादा दिन तो हम नहीं कह सकते हैं, पहले मुझे जानकारी नहीं थी, जब से मैंने जानकारी प्राप्त किया, जब से मैं ऋषि महात्माओं के बारे में पढ़ा, जब से थोड़ा आध्यात्मिक हुआ हूँ, तब से इसका सेवन कर रहा हूँ, 4-5 वर्ष हो गए हैं। क्या आपको ये सब दूध दही रोटी पनीर चीनी नमक माठा ये सब करेली का भुजिया ये सब अच्छा नहीं लगता है? जी हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन देखिए खाना जो होता है वो हम अपने जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, कभी भी खाना जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, खाना स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो वही खाना चाहिए, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। बस हो गया।